इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि वॉल्यूम बटन ऑफ और डाउन का सही इस्तेमाल कैसे करेंगे। दोस्तों आप कई बार क्या हमेशा इस्तेमाल करते होंगे आवाज़ को घटाने और बढ़ाने के लिए। दोस्तों इसमें वॉल्यूम बटन का और ही कुछ इस्तेमाल करने वाला है, अभी आपको दिखाता हूँ। तो चलिए दोस्तों अभी देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे मैं यूट्यूब को ओपन किया हूँ तो देखिए क्या आ रहा है, बोला यूट्यूब खराब, मतलब यूट्यूब काम नहीं कर रहा है। तो इस तरह आप और भी कुछ सेट कर सकते हैं, जैसे कि यूट्यूब खराब हो गया या कुछ भी, जैसे कि आप चाहते हैं और या नहीं सेट करना चाहते, सिर्फ ब्लैक सा दिखे तो वो भी सेट कर सकते हो, और सिर्फ वॉल्यूम ऑफ और डाउन का इस्तेमाल करके। तो जो सिर्फ आप इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आपको सिर्फ इस वीडियो के अंदर दिखा नहीं सकता हूँ, मगर वही वॉल्यूम बटन ऑफ और डाउन मैं दबाऊंगा। जैसे कि मैं सेट किया हूँ वॉल्यूम बटन, दो बार क्लिक करूँगा ऑफ मतलब ऊपर वाले, तो ये ऑन हो जाएगा यूट्यूब। तो देखिए यूट्यूब ओपन हो गया। तो इस तरह आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने वॉल्यूम ऑफ और डाउन बटन का। तो चलिए दोस्तों इसे सेट कैसे करेंगे, तो ये अब सीखने वाले हम लोग। तो सेट करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, वो लास्ट में बताएंगे। तो इसका नाम है दोस्तों, आपको ये ध्यान देना होगा, चलिए ध्यान से देखिए वीडियो को। तो दोस्तों वॉल्यूम बटन को तो हमेशा आप आवाज़ बढ़ाने या घटाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, आज उसी को इस्तेमाल करके लॉक लगा सकते हैं आपके कोई भी यूट्यूब हो या कोई भी एप्लीकेशन हो। तो दोस्तों ये एप्लीकेशन को क्लियर डाटा कर दिया था। तो देखिए सेम जैसे कि आप इंस्टॉल करेंगे, डाउनलोड करेंगे, उसी तरह आपको इस तरह पेज ओपन होगा। तो ये क्या हो रहा है, जैसे कि सेट करने के लिए बोल रहा है, तो सेट करने के लिए आप वॉल्यूम जो ऊपर वाले बटन जो आवाज़ बढ़ाने वाला होता है, तो दो बार मैं क्लिक किया हूँ, देखिए ऑफ ये यहाँ पर भी बता रहा है। और जैसे डाउन का दो बार क्लिक किया हूँ, तो जैसे कि वॉल्यूम ऑफ दो बार क्लिक करूँगा और डाउन दो बार दबाऊंगा, तो दोनों दो दो बार सेट किया हूँ। आप चाहते हैं तो और भी सेट कर सकते हैं, जैसे कि मैं सेट नहीं कर रहा हूँ, क्लियर कर दिया, मतलब मैं सिर्फ चाह रहा हूँ ऑफ, और जैसे कि दिखा रहा हूँ आपको ऑफ, और एक बार ऊपर वाले और एक बार नीचे वाले क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाएगा। तो इसी तरह आपको कन्फर्म कर लेना, जैसे कि बाकी लोग लगाते हैं उसी तरह। तो इस तरह आप जितने चाहें उतना सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा ये सेटिंग इसी तरह आपको करना है। तो आप जिस तरह चाहते हैं, एक बार या दो बार या तीन बार, जितना बार चाहते हैं उतना बार सेट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन ये इसलिए पूछ रहा है दोस्तों, ये अगर जैसे कि भूल जाएंगे आप पासवर्ड, तो ये रिकवर करने के लिए ये अगर अभी यहाँ पर लिखेंगे जो भी याद रहेगा, तो आप रिकवर कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो देखिए फिनिश हो गया ये सेटिंग और ये लॉक सेट हो गया। अब फिर से ऑफ और जो सेट करे रहेंगे वही क्लिक करेंगे बटन, तो देखिए ये ओपन हो गया। तो जैसे ही ओपन हो रहा है, तो ओपन होने के बाद दोस्तों ये वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, ये ऑन कर देना है, और जितने भी ऐप होगा आपके फोन में पूरा का पूरा आ जाएगा। आप जो भी ऐप के अंदर सेट करना चाहते हैं, तो जैसे कि ये एप्लीकेशन एक्सेस डाटा जो इसके बारे में दूसरी वीडियो है, तो इसके बारे में तो वीडियो है हमारे चैनल पे। तो जैसे ये लॉक पे क्लिक करेंगे तो ये लॉक लग गया, और ये ब्लैक सा इसलिए दिख रहा है, जैसे कि आप ओपन कर रहे थे यूट्यूब, तो वहाँ पर लिख कर आया था यूट्यूब खराब है, तो ये ब्लैक दिखेगा। तो यहाँ पर फोटो कैसे सेट करेंगे, वहाँ पर क्लिक करेंगे और ये कस्टम पर क्लिक करना है। तो कस्टम पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको इस तरह अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद आपको करना क्या, फोटो सेट करने के लिए फिर से क्लिक करेंगे और कस्टम पर क्लिक करेंगे, और देखिए फाइल का सिस्टम आ गया, जो कि फाइल का ऑप्शन आ गया। और देखिए मैं पहले से फोटो बना के रखा था, तो इस तरह फोटो पर क्लिक करके और क्रॉप पर क्लिक करके इस तरह सेट कर देना है। तो ये सेट करना तो बहुत ही आसान है, और फोटो आप सोच रहे होंगे कि आप तो फोटो बनाना जानते हैं, तो फोटो बना के रख दिए। आप चाहते हैं तो किसी का भी फोटो सेट कर सकते हैं, और आप चाहते हैं कि खराब या कुछ भी लिखकर सेट करना चाह रहा है, जैसे कि मैं सेट किया हूँ ये यूट्यूब खराब है या जो भी जो एप्लीकेशन का नाम है वही एप्लीकेशन, तो उस तरह आप भी कर सकते हो। तो चलिए बताते हैं उस तरह आप कैसे करेंगे। तो आपको प्ले स्टोर में जाना होगा, और प्ले स्टोर में जाने के बाद दोस्तों देखिए वो एप्लीकेशन जिससे मैं बनाया था वो अभी आपको दिखा रहा हूँ। तो प्ले स्टोर में आप तो आएंगे तो ये एप्लीकेशन का नाम है ओप, ये रहा ओप नाम से, तो ये ब्लॉक है, तो ये रहा। और इसके साथ ही दोस्तों एक और बात बता देता हूँ, जैसे कि पिक्सल लेब है ना, तो ये रहा इसी से मैं बनाया था। तो अभी देखिए जैसे ओपन करेंगे आप ये वाला एप्लीकेशन से बना सकते हैं फोटो, तो इस तरह जैसे ओपन करेंगे तो देखिए ये पहले से ही बनाया था इसलिए आ रहा है। तो आप यहाँ पर आकर अपने से खुद से बना सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही प्लस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप जो भी लिखना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह आप इससे भी बना सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, ये जैसे ओके करेंगे तो ये आ गया इस तरह लिखा हुआ, जो भी लिखेंगे आप इस तरह छोटा बड़ा कर सकते हैं, आप इस तरह छोटा बड़ा कर सकते हैं। उसके साथ ही दोस्तों इस पे ऐप पे क्लिक करेंगे, तो ऐप पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से इसका मोटापन चेंज कर सकते हैं, जैसे कि ये देखिए चेंज हो गया। और जैसे कि यहाँ पर जाएंगे तो कलर का ऑप्शन आएगा, कलर पे जो भी ऑप्शन जो भी कलर चाहते हो वो कलर सेट करेंगे। और यहाँ पर जैसे कि सेव पे क्लिक करेंगे तो आपको सेव करने के लिए ये ऑप्शन आ गया, तो सेव करके और गैलरी सेव टू गैलरी कर सकते हैं। तो दोस्तों